Hi. Hi. Hello. Hi. So are you ready to enjoy today's class? Yes. Are you ready to enjoy here? Yes. मजा आ रहा है पढ़ाई करने में यहाँ? हाँ सर. तो कुछ दिनों के बाद यहाँ से जब आप पढ़कर जाइएगा तो आपको कहीं जॉब करना होगा. तो आपको लगता है कि आप वहाँ भी एंजॉय कीजिएगा? Yes. Maybe. During the job? Maybe. आप वहाँ भी एंजॉय कर सकते हैं? Maybe. Depends करता है. तो वहाँ पर आप एंजॉय कीजिएगा किन बातों पर डिपेंड करता है? आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन होगी आपकी कंपनी से, आपके बॉस से, आपके कंपनी के क्लाइंट से कुछ एक्सपेक्टेशन होगी. तो क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे अपनी कंपनी से, अपने बॉस से? आप लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे? कोई बताएगा? विशाल शंकर, हाँ बोलिए. गुड कोऑपरेशन विद द स्टाफ. बिल्कुल. सैलरी शुड बी ऑन द टाइम. बिल्कुल. बिहेवियर्स ऑफ द ऑल स्टाफ शुड बी गुड. बिल्कुल. और कोई? मिस्टर जमीन प्लीज. गुड वर्क प्लेस एनवायरनमेंट. गुड वर्क प्लेस एनवायरनमेंट. गुड वर्क प्लेस एनवायरनमेंट. और कोई? हाई सैलरी. हाई सैलरी एक्सपेक्ट करेंगे. दैट मींस हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है. तो ऐसे ही हमारे बॉस के, हमारे क्लाइंट्स के, हमारी कंपनी से, उनका कंपनी का हमसे भी कुछ एक्सपेक्टेशन होता है. तो जैसे हमारा एक्सपेक्टेशन अगर पूरा नहीं होता है तो हमें बुरा लगेगा. हमें लगेगा क्या यार सैलरी बहुत कम दे रहा है. वैसे ही अगर हमारी कंपनी, हम कंपनी के एक्सपेक्टेशन को हम पूरा नहीं करते हैं तो कंपनी भी हमारे बारे में कुछ फीडबैक्स देगी, कुछ रिव्यूज देगी. तो कंपनी हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है, क्या बता सकते हैं? बेटर परफॉर्मेंस या ऑप्टिमल परफॉर्मेंस. गुड. और कोई? मैक्सिमम आउटपुट. गुड. और कोई? प्रोडक्टिविटी एट वर्क प्लेस. पल्लवी. कोऑपरेशन. बिल्कुल. तो इससे हमें पता लगता है कि हमारी कंपनी हमसे एक्सपेक्ट करती है बहुत सारी चीजें. क्या कंपनी और हमारे एक्सपेक्टेशन इसके अलावा भी हमसे कोई और कुछ एक्सपेक्ट करता है? कोई और भी है जो हमसे एक्सपेक्ट करता है जब हम जॉब करते होते हैं? तो फैमिली. फैमिली सही जवाब. बिल्कुल. और कोई? फ्रेंड्स. बिल्कुल. और कोई? कलीग्स. कलीग्स. तो एक्सपेक्टेशन की हम लोग बात करते हैं तो ये बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन है. और क्या हम सभी के एक्सपेक्टेशन पर खड़े उतर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो. कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. पॉसिबल नहीं है. अगर हम बॉस की बात मानेंगे तो ऐसे सिचुएशन आएंगे कि हमारी फैमिली नाराज हो जाएगी. फैमिली कभी बोलेगी जाओ आओ जॉब छोड़कर चले आओ. तो क्या हम जॉब छोड़कर चले जाएंगे? नहीं. अगर तो फिर फैमिली बोलेगी तो फिर मेरे यहाँ कभी मत आना. तो क्या हम फैमिली को छोड़ देंगे? नहीं, फैमिली को भी नहीं छोड़ते. बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस बन जाएंगे. तो ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है? हम लोग को डिसीजन मेकिंग करना होगा. डिसीजन लेने की मतलब इवैल्यूएट करना होगा कि हमको क्या डिसीजन लेना चाहिए. बिल्कुल. और कोई बताएगा? तो इससे हम देखते हैं कि जब भी हम काम करना शुरू करते हैं तो बहुत लोगों की हमसे एक्सपेक्टेशन होती है. तो हम लोग आज सीखेंगे कि कैसे इन एक्सपेक्टेशन को पूरा करें या फिर कैसे वो तरीका निकालें जो सबसे बेस्ट हो, जो सबसे अच्छा हो. और इसको हम लोग पढ़ेंगे. तो इसको समझने के लिए ना हम लोग कुछ सिचुएशन कंडीशंस लेते हैं. कंडीशन क्या होगा? मान लेते हैं कि मैं किसी कंपनी में नया नया ज्वाइन किया हूँ. मुझे ज्वाइन किए हुए 7 दिन हुआ है केवल. और 7 दिन में के बाद मुझे घर से कॉल आता है कि बेटा घर चले आओ, तुम्हारी दादी बीमार है. तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, क्या सिचुएशन क्या बनती है? तो मैं काम कर रहा हूँ आराम से, तो मैं अपने ऑफिस में हूँ, बॉस से बात कर रहा हूँ, अचानक से कॉल आता है. हेलो, अरे बेटा सुन रहा है, तेरी दादी इतना बीमार हो गई, जल्दी आ जा घर, 2 दिन में पहुंच, वो तुम्हें देखना चाहती है लास्ट टाइम जाने से पहले. तो क्या होगा? आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा.
आप सोचोगे अरे यार अभी तो ज्वाइन किया हूँ, बॉस भी थोड़ा खड़ूस है, अगर अभी छुट्टी मांगूंगा राइट ओके पॉइंट्स मॉडिफाइड जल्दी से पॉइंट दो और ये पॉइंट आप तभी भी दे सकते हो जैसे आपने बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व की आपको अच्छा लगा दे दो, आपने आई कांटेक्ट ऑब्जर्व किया अच्छा लगा दे दो या खराब लगा दे दो ठीक है। पांच अब आपको पता नहीं लग पाया तो इसमें इनकी गलती नहीं है राइट हाँ तो आप नहीं समझे तो आप अब और टाइम नहीं मिल सकता, बस उतना ही टाइम मिल सकता है।